सही से बोल सके, सही से लिख सके और सही से पढ़ सके। अगर हम लोग को इतना आ गया तो हम लोग व्याकरण सीख लिए। हमें क्या सिखाता है? शुद्ध बोलना, सही से बोलना, शुद्ध लिखना, सही से लिखना और शुद्ध पढ़ना, और शुद्ध पढ़ने का ज्ञान कराता है, मतलब पढ़ना सिखाता है। अगर हम लोग इतना आ गया तो हम लोग को व्याकरण समझ में आ गया। तो क्या है व्याकरण का डेफिनेशन? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान कराता है। अब हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब भाषा वह साधन है, भाषा वह मीडियम है। भाषा क्या है? वह मीडियम है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, मनुष्य मतलब हम लोग, इंसान जो हम लोग है, मानव अपने भावों और विचारों, अपने भावों और विचारों मतलब हमारे दिमाग में जो चल रहा है, जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे हमें कुछ बोलना है, हम सोच रहे हैं कि हम क्या बोले, तो कैसे बोलोगे? ऐसा तो थोड़ी है कि हम, मेरे दिमाग में चल रहा है मेरे और कोई समझ ही आके, ऐसा होता है नहीं। जो हम सोचते हैं क्या मैं दूसरे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? नहीं, हम सोच रहे हैं वो तो मेरे दिमाग में है, दूसरे को कैसे पता चलेगा? कोई मैजिकल तो है नहीं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें कुछ बोलने का जरूरत पड़ता है, कुछ लिखने का जरूरत पड़ता है, तो भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे हम बोले आप सुने, आप बोले हम सुने, या हम लिख के दिए आप पढ़े, ये क्या हुआ? अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना, मतलब जो हमारे दिमाग में था, जो मेरे माइंड में था, जो हम सोच रहे थे वो आप लोगों को पढ़ाए, हम लिख के दिए आप पढ़े, क्या हुआ? भावों और विचारों का आदान प्रदान हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के कितने रूप है? दो। भाषा के कितने रूप है? दो। एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। एक मौखिक, लिखित, लिखित। फर्स्ट वन मौखिक, ओरल, सेकंड वन लिखित, रिटन। ठीक है, मौखिक भाषा मुंह से बोल के, जो हम बोले आप सुने, आप समझे, हम अभी बोल के समझा रहे हैं ना, तो अभी बोल के समझा रहे हैं ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हम बोल के समझाएं, आप लोग सुने, आप लोग समझे, वो क्या हो जाएगा? मौखिक। वो क्या हो जाएगा? मौखिक। मौखिक। और दूसरा हो जाएगा सेकंड वन लिखित, सेकंड वन लिखित, हम लिखे, हम लिखे, आप लोग इसको कॉपी करेंगे, फिर इसको समझेंगे और याद करके आएंगे, वो क्या हो जाएगा? लिखे, क्योंकि हम लिखे ना,